तालिब हुसैन शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक पत्रकार के रूप में एक मीडिया मैन बनकर आया और उसके मोबाइल से जो सारी वीडियो फुटेजेस मिली हैं उनका पूरा जिक्र मैं आपके सामने नहीं कर सकता क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सुरक्षा एजेंसियां उसकी छानबीन कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। आरोप ये है कि पहले वो आपकी पार्टी में आया फिर पत्रकार बना। नहीं, मुझे याद है वो पहले पत्रकार बन के हमारे कार्यालय में आया और उसने उसके साथ दो तीन और साथी होते थे जिसमें उसका कैमरामैन और उनके साथ दो और साथी होते थे जिनसे वो इंटरव्यू करवाता था और खुद मॉनिटर करता था। मैंने कहा जैसे जैसे कहीं भी मीडिया के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं वो राजनीतिक नेताओं के इंटरव्यूज लेते हैं, राजनेताओं के साथ वो प्रेस वार्ता में शामिल होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इसीलिए जब आतंकवादियों को ये लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को निशाना बनाने में विफल हो रहे हैं, उन्होंने मीडिया के रूप में एक आतंकवादी को स्थापित करके एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। ऐसा कोई पत्र भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर कार्यालय जो त्रिकुटा नगर है यहाँ से नहीं निकला है। हमारा हर एक जो नियुक्ति होती है अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल उसको हम मीडिया में प्रेस रिलीज के माध्यम से रिलीज करते हैं और वो जो न्यूज़ में पब्लिश भी होता है ऐसी कोई न्यूज़ आइटम ना तो बीजेपी के ऑफिस से मीडिया को कोई रिलीज गई है और ना ही किसी मीडिया में किसी समाचार पत्र में उसकी अपॉइंटमेंट का न्यूज़ छपा है। भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट सुनील सेठी साहब हैं और अन्य दो सदस्य हैं, उन्होंने शेख बशीर जो माइनॉरिटी मोर्चा का है जिसके लेटर हेड का जिक्र सोशल मीडिया में हो रहा है उनको 48 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा है और मुझे लगता है कि उनके जवाब आने के बाद और चीज़ें क्लियर होंगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग की है कि इस सारे मामले की जो छानबीन है, इस सारे मामले की जांच NIA को देनी चाहिए ताकि तालिब हुसैन का लिंक कहां कहां था और भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता उसके निशाने पर थे। देखिए नहीं था, देखिए ये एक प्रकार से नई आतंकवादियों की साजिश है। अब ये सब छानबीन के मामले हैं, इस पर अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारा खुफिया विभाग इस सारे मामले की गहरी जांच में छानबीन में लगा है और मुझे लगता है कि जब इस सारे हमने कहा है कि इस सारे मामले की जांच NIA से होनी चाहिए।